माशाल्लाह लाजमी करें कहें, जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें आपको अच्छी लगे उस पर माशाल्लाह का लफ्ज़ लाजमी कहें, ताकि अल्लाह पाक नज़र बद से उस इंसान को उस चीज़ को बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब हम जा रही हैं नीलम जेलम, जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी और नीलम वैली भी। नहीं जी, एटीएम का मसला हल, अब ये कि टेंशन नहीं है पैसों की, चलते हैं अल्लाह का नाम लेके नीलम झेलम प्रोजेक्ट की तरफ और फिर उसके बाद नीलम वैली की तरफ। और रास्ते में ऐसी जगह भी यकीनन आएगी जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमें नज़र आएंगे, तो हम उन दोनों को भी कवर कर सकेंगे। थैंक यू। इधर कोई जाना है मैंने हम इधर से चल जाएंगे शुक्रिया। चलो 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 चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। रश फंसा हुआ है लेकिन मैं इसलिए कोशिश करके दाएं बाएं से निकल रहा हूँ। भैया रास्ता दीजिएगा, भैया रास्ता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए जी अब हम निकल रहे हैं बाहर दोबारा से मेन की तरफ। हम गलत जा रहे हैं, हमने ये पुल क्रॉस किया था, हमें इस पुल से वापस जाएगा यार। ओहो यहाँ से जनाब बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है दोनों तरफ, बहुत प्यारा नज़ारा। तो नज़ारा देखने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा है, मुझे पता है यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, ऐसे खड़ा होना गलत है, लेकिन बाइकर्स को कई जगहों पे खड़े होके बाइक चलानी पड़ती है, ये नॉर्मल है। मतलब ये कोई हम कोई स्टंट नहीं दिखा रहे होते, बाइकर्स की मजबूरी होता है। जैसे अब मैंने उसे सीन को कवर करना था तो मेरी मजबूरी थी खड़े होके, उसके दो तरीका कार थे, या बाइक के ऊपर खड़े होके उसे कवर कर लूँ, या फिर प्रॉपरली रुक के तो वहाँ पर टाइम दूँ और उसे कवर करूँ, तो वो मुश्किल हो जाना था, उसमें टाइम लग जाना था और हमें स्पीड पे निकलना है क्योंकि पहले ही लेट निकले हैं, 12 बजे के बाद निकल रहे हैं हम। अब जनाब हम जा रहे हैं जेलम प्रोजेक्ट। नाज़रीन आप देख रहे हैं YouTube चैनल डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल न्यूज़, और अब हम आपको ले चलेंगे नीलम जेलम प्रोजेक्ट और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नीलम वैली। बच्चा हाथ दे रहा है कि लिफ्ट मिल जाए, लेकिन हमारी है मजबूरी कि हम नहीं बिठा सकते, जगह नहीं है। फिर से खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला शुरू। वैसे तो पहाड़ों के अंदर ही थे, हम बाहर निकले ही नहीं थे पहाड़ों से। बहरहाल पहाड़ी सिलसिला दोबारा से एक दफ़ा शुरू जनाब, और शुक्र अल्लाह का साफ रोड। मेरे इल्म के मुताबिक अभी रास्ते में ऐसी जगह आएगी जहाँ से हम कवर कर सकते हैं इंडिया के भी कश्मीर को, यानी कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया में जो कश्मीर है ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हम कवर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम रुकेंगे ताकि हम
उन भाइयों से भी इजहार यकजहती कर सकें, उनकी साइड को भी अपने चैनल पर कवर कर सकें। उसमें हम इंशाल्लाह ताला DSLR बड़ा कैमरा यूज़ करेंगे, बड़ा लेंस यूज़ करेंगे, जहाँ तक मैक्सिमम उसे कवर कर सकेंगे, जूम कर सकेंगे, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड लेंस है, बहुत ज़्यादा हैवी लेंस नहीं है, तो जहाँ तक भी जूम उसका जाएगा वहाँ तक हम कवर करेंगे, कवरेज देंगे ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी। नहीं जी, फिर से मैं दुआ पढ़ लेता हूँ और आप वीडियो को एंजॉय करें, खूबसूरत सीनरी को एंजॉय करें।
दुआ भी कंप्लीट हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और दुआ हमारी इंशाल्लाह तआला और पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब बैटरी कैमरा की चेंज करनी पड़ गई थी, वो भी कर ली है, तो अब फिर से हम जनाब रवा दवा हैं। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की तरफ भी, और नीलम बैटरी की तरफ ऐसा बड़ी तेज चला रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे। यूपी मेहरान शूटर चल रही है, लेकिन 60 से नीचे नहीं आ रहे, 60 बड़ी स्पीड होती है एपीसी सड़क के ऊपर। मैं भी यहाँ आगे चलाने वाले हूँ, यार अच्छा चला रहे हैं, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे माशाल्लाह। माशाल्लाह लाजमी करें, कहें जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें आपको अच्छी लगे उस पर माशाल्लाह का लफ्ज़ लाजमी कहें, ताकि अल्लाह पाक नज़र बद से उस इंसान को उस चीज़ को बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। जनाब हम जा रहे हैं नीलम जेलम, जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी, और नीलम वैली भी। यार टूरिस्ट रेस्ट प्लेस अच्छा जी नहीं चाहिए अभी, रेस्ट अल्लाह खैर करे, शुक्र अल्लाह का बिल्कुल पिशाच पिशाच अल्लाह ने रखा हुआ है। बड़े गेयर की सड़क मेरी लगा हुआ, बड़ा गेयर लगाए लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मोड के ऊपर ब्रेक लगानी होती है और ब्रेक थोड़ी सी ढीली हुई है, सोचा पहले भी मैंने रुका हूँ लेकिन जेल में से निकल गया, मैंने साइड नहीं की। पंज सलाम अलैकुम जी, नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है वो कितना दूर है यहाँ से, पावर प्रोजेक्ट जो बड़ा आगे जी
कहते आगे ही है, कहाँ पे आगे है, कितना आगे है ये नहीं उन्हें बताया, लेकिन आगे ही है ये पता लग गया भाई। ये मैं खैर पहले से ही पता था भाई, हम तो पूछ रहे हैं कि कितना आगे है। और बाजार आया कोई सर यहाँ से इसलिए पूछते भी हैं कि कितना का गया है नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो है पावर प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट यहाँ से कितना दूर है? बहुत शुक्रिया, बढ़िया बात। देखिए हम तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं नीलम जेलम प्रोजेक्ट के, कह रहे बस 15 मिनट लगेंगे आपको। और अगर वाकई में 15 मिनट उन्होंने कहा है तो वो वाकई में 15 मिनट ही लगेंगे, तो वो में भी हमें कम लगे क्योंकि हम थोड़ा सा बाइक की स्पीड बढ़ाई हुई है, तो वो तो भाई साहब उसी हिसाब से बात करेंगे ना कि जी एक नॉर्मल स्पीड की। लेकिन हमें जहाँ मौका मिलता हम बड़ा गियर लगा देते हैं। वाह क्या खूबसूरत सड़क बनी है यार, क्या खूबसूरत नजारा है यार। क्या बात है यार, माशाल्लाह 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 कहना बनता है भाई यहाँ पे, क्या खूबसूरत नजारा है। आप ये देखेंगे हम, मैं ज़रा साथ में शॉर्ट भी बना दूँ, ये शॉर्ट आपको पहले मौसूल हो जाएंगे इस इन वीडियोस से, तो मैंने कहा शॉर्ट आपको दिखा दें फिलहाल।